हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका 2 मिनट सीरीज़ में। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन सुंदरबंस के बारे में। राइट, शुरू करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट। हमारा प्रीलिम्स 2020 का क्रैश कोर्स इज़ लाइव। इट इज़ गोइंग टू बी एन 88 डेज कोर्स, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 250 आवर्स की टीचिंग होगी। इसमें हम करेंट और स्टैटिक दोनों कवर करेंगे। सो वी आर डन विद इकोनॉमी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री अभी चल रहा है। इनकेस आप पुराने लेक्चर्स को देखना चाहते हैं जो चले गए हैं, आप उनको जितनी बार मर्जी देख सकते हैं। दे आर स्टिल अवेलेबल, सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी एन इशू। इन केस यू वॉन्ट मोर डिटेल्स, यू कैन कॉल अस एट दिस नंबर, एंड इन केस यू वॉन्ट टू इनरोल, यू कैन विजिट sleepyclasses.com। राइट, सो शुरू करते हैं सुंदरबंस के साथ। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडियन सुंदरबंस के बारे में, ठीक है। उससे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगी सुंदरबन इको रीजन के बारे में। सुंदरबन इको रीजन दो कंट्रीज में आता है, इंडिया एंड बांग्लादेश। इनफैक्ट इंडिया में 40% है सुंदरबंस, 60% बांग्लादेश में है। और अगर हम सुंदरबन इको रीजन की बात करें, सो इट इज़ लोकेटेड इन द टाइडली एक्टिव लोअर डेल्टाइक प्लेन ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना बेसिन, एंड इट होस्ट्स द लार्जेस्ट कॉन्टिगुअस मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। सो सुंदरबन इज़ फेमस फॉर द मैंग्रोव्स, एंड इट इज़ द ओनली मैंग्रोव टाइगर हैबिटेट इन द वर्ल्ड, ठीक है। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सुंदरबन का नाम आता है सुंदरी ट्रीज़ के साथ, विच वर वंस फाउंड थ्रू आउट द एरिया, लेकिन अब ये काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड जगहों पर ही आपको मिलती हैं। और जो सुंदरी ट्रीज़ हैं, ये भी एक मैंग्रोव स्पीशी, एक वन ऑफ द मैंग्रोव स्पीशीज़ ही हैं। राइट, सो लाइक आई सेड, इट इज़ स्प्रेड ओवर बांग्लादेश एंड इंडिया। 40% इंडिया में है, 60% बांग्लादेश में है। और मैंग्रोव्स आपको पता है, इट इज़ अ वाइटल प्रोटेक्टिव बैरियर अगेंस्ट द फ्लडिंग, टाइडल वेव, साइक्लोन्स, जो स्टॉर्म सर्जेस होते हैं उनके अगेंस्ट, ठीक है। अब जो इंडियन सुंदरबन रीजन है, 60%, अब वैसे अगर हम सुंदरबंस को देखेंगे तो 40% है सुंदरबंस इंडिया में, लेकिन जो इंडिया में है, ठीक है, उस इंडिया में जो टोटल मैंग्रोव्स हैं, उसमें से जो 60% मैंग्रोव्स हैं वो आपको सुंदरबंस में मिलते हैं। एंड सुंदरबंस हैज़ 90% ऑफ द इंडियन मैंग्रोव्स स्पीशीज़, ठीक है। सो ये जो परसेंटेजेस हैं, इनको एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। सो ये है हमारा बांग्लादेश, ये है हमारा इंडिया, और यहीं कहीं है सुंदरबंस नेशनल पार्क, जो कि काफ़ी ज़्यादा आप पढ़ जिसके बारे में आप सुनते आए हैं। सो इंडिया एंड बांग्लादेश, 60% है बांग्लादेश में, 40% है इंडिया में, ठीक है। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द ज्योग्राफी, लाइक आई सेड, 40% इन इंडिया एंड 60% इन बांग्लादेश। और नीचे साउथ में आपके पास सुंदरबंस के साउथ में क्या है, वे ऑफ बंगाल, ईस्ट में, ठीक है, दैट इज़ बांग्लादेश वाली साइड पे, इट इज़ सराउंडेड बाय बालेश्वर रिवर। एंड टू द नॉर्थ, ठीक है, देयर इज़ इंटेंसिवली कल्टिवेटेड लैंड, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है। तो अभी बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज दैट इज़ बिकमिंग डिफ़िकल्ट, और जो कम्युनिटीज़ हैं दे आर ऑल्सो शिफ्टिंग, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी की बात करें, टाइगर, लाइक आई सेड, इट इज़ दी ओनली मैंग्रोव हैबिटेट जहाँ पे आपको टाइगर्स मिलते हैं, ठीक है। उसके अलावा यू हैव एस्टुराइन क्रोकोडाइल, जिनको हम सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के नाम से भी जानते हैं, मॉनिटर लिजर्ड्स, कैंगेटिक डॉल्फिन मिलती है, ओलिव रिडले टर्टल, जो कि ओडिशा कोस्ट में फेमस है, गहिर माता बीच वगैरह में, वो वहाँ भी मिलते हैं, यहाँ भी मिलते हैं। उसके अलावा नादरन रिवर टेरापिन, ठीक है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये मिलता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इंडेंजर्ड एरावडी डॉल्फिन्स मिलते हैं, एंड फिशिंग कैट भी मिलती है, जिसका IUCN स्टेटस वनरेबल है। ऑल्सो रीविजिट दी IUCN स्टेटस ऑफ ऑलिव रिडले गिंगेटिक डॉल्फिन्स, ठीक है, बंगाल टाइगर, एस्टुअरियन क्रोकोडाइल्स, ठीक है। अगर हम प्लांट्स की बात करें, सुंदरी ट्रीज, मैंग्रोव्स बहुत ज़्यादा कॉमन है, एविसिनिया, सुंदरी वगैरह आपको मिलते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें, तो अगर हम सुंदरबंस की बात करें, तो 4 प्रोटेक्टेड एरियाज हैव बीन गिवन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग, वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग, जिसमें सुंदरबंस नेशनल पार्क, सुंदरबन वेस्ट, सुंदरबन साउथ एंड सुंदरबंस ईस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं। उसके अलावा सुंदरबन जो नेशनल पार्क है, वो सुंदरबन टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था 1973 में ही। 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था, तो देवर 9 टाइगर रिजर्व्स जिनको टैग दिया गया था, टाइगर रिजर्व्स का 9 इनिशियल टाइगर रिजर्व्स थे, उनमें से एक सुंदरबंस था। और उसके बाद अपग्रेड होता रहा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया 77 में, 84 में नेशनल पार्क, ठीक है, और उसके बाद 87 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर कर दिया गया, जो हमने ऊपर डिस्कस किया है। लेटली रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है इंडियन सुंदरबंस को, ठीक है। सो वी आर डिस्कसिंग द इंडियन सुंदरबंस पार्ट हियर। जो बांग्लादेश में सुंदरबंस हैं, वो पहले से ही रामसर साइट था, ठीक है। इंडिया में एज लेटर एज 2019 में किया गया, तो 27th रामसर साइट बना ये सुंदरबंस,
इंडियन सुंदरबंस, और उसके साथ ही ये लार्जेस्ट भी बन गया. ठीक है, जो सेकेंड लार्जेस्ट है वेम्बनंथ कॉल, उसे मोर देन डबल एरिया है इसका, इंडियन सुंदरबंस का. ठीक है, और अभी 10 और रामसर साइट्स हैव बीन एडेड, तो 37 हो गई हैं. उसके अलावा ये मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व का भी पार्ट है फ्रॉम 2001. ठीक है, उसके अलावा एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट लगी मुझे डिस्कस करने लायक है, वो ये है डिस्कवरी इंडिया अलॉन्ग विद WWF एंड गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अलॉन्ग विद द लोकल कम्युनिटीज आर ट्राइंग टू सेव द वर्ल्ड्स ओनली मैंग्रोव टाइगर हैबिटेट. ठीक है, क्लाइमेट स्मार्ट विलेजेस बना रहे हैं वो, कि इवन द बायोडाइवर्सिटी एंड द कम्युनिटीज दे कैन को एग्जिस्ट. ठीक है, तो बहुत लोग इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. और ये जो प्रोजेक्ट है, ये पार्ट है प्रोजेक्ट कैट का. कैट क्या है? कंजर्विंग एकर्स फॉर टाइगर्स. ठीक है, ये भी बेसिकली डिस्कवरी इंडिया का प्रोजेक्ट है, जिसके तहत मिलियंस ऑफ द एकर्स ऑफ द प्रोटेक्टेड लैंड इज बीइंग कंजर्व्ड, ताकि टाइगर्स वहाँ पर ईजिली रह सके, रोम कर सके. तो इंडिया में सुंदरबंस के अलावा मानस में भी प्रोजेक्ट कैट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड, राइट? सो दिस वॉज अबाउट इंडियन सुंदरबंस. थैंक